Assalamualaikum YouTube family and welcome back to my channel again. तो आज का रिएक्शन है केरला सिटी की 15 टूरिस्ट प्लेसेस जो कि बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस हैं. तो देखते हैं केरला में कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं. वैसे तो केरला पूरा ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने देखा है वीडियोस में. तो आज देखते हैं उसकी टूरिस्ट प्लेसेस कौन सी है जो कि बेहद खूबसूरत हैं और आप लोग भी देखिएगा. तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो और आज का रिएक्शन पसंद आएगा. अगर आप केरला से देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो आज की वीडियो को करती हूँ मैं स्टार्ट. केरला, जिसे गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है, अनडाउटेडली इंडिया के सबसे सुंदर स्टेट्स में से एक है. केरला अपनी ट्रॉपिकल वेजिटेशन, लश ग्रीनरी, क्लीन बीचेस और सीनिक बैकवाटर की वजह से हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. केरला को जो चीज़ और भी ज़्यादा स्पेशल बनाती है वो है यहाँ की डाइवर्सिटी. इस एक ही स्टेट में आपको बीचेस, माउंटेन्स, लश ग्रीनरी और टी प्लांटेशन से लेकर यहाँ के ट्रेडिशनल सब कुछ देखने को मिलता है. तो अगर आप भी केरला की एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा केरला की टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस जो कि आपको यहाँ आकर जरूर विजिट करनी चाहिए. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब. सो आई थिंक केरला के जो लोग हैं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर कंट्री जाने की, विजिट करने की, क्योंकि उनके पास खुद इतना कुछ है कि उनको जरूरत ही नहीं है बाहर जाने की. लाइक माउंटेन्स, बीचेस, सब कुछ उनके वहीं मौजूद है. और इंडिया में भी मेरे ख्याल से कहीं जाने की जरूरत नहीं है. जब दिल करे केरला चले जाओ यार, इतनी खूबसूरती एक ही जगह में है. नंबर 10, तिरुवनंतपुरम. केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा शहर है जहां आपको कॉलोनियल लेगेसी और यहां की डीप रूटेड हेरिटेज का काफी अच्छा मिक्सचर देखने को मिलता है. ये पूरा शहर 7 हिल्स पे बसा है जो कि अपनी आर्किटेक्चरल ब्यूटी और अर्बन चार्म की वजह से फेमस है. तिरुवनंतपुरम की सबसे मेन हाईलाइट है यहाँ का पद्मनाभ स्वामी टेम्पल. पद्मनाभ स्वामी टेम्पल इंडिया के सबसे बड़े और सबसे मिस्टीरियस मंदिरों में से एक है. ये मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है जहां उनकी अनंत शयन रूप में पूजा की जाती है. ये मंदिर दुनिया का सबसे रिचेस्ट मंदिर है और यहां की टोटल वेल्थ कितनी है ये आज तक किसी को भी नहीं पता. इस मंदिर में दर्शन करने की फीलिंग बहुत ही स्पेशल होती है. और इसके अलावा त्रिवेंद्रम में आप अट्टुकल भगवती टेम्पल, आजीमाला शिवा टेम्पल, कुठीरा मलिका पैलेस और नेपियर म्यूजियम में भी विजिट कर सकते हैं. नंबर 9, वागमन. वेरी नाइस. वागमन केरला का नंबर 10 पे पोस्ट करूंगी मैं. लाइक इतने ज्यादा मुश्किल आर्किटेक्चर बनाए किसने होंगे और कैसे बनाए होंगे, इतनी खूबसूरती. वाओ, जस्ट वाओ. वागमन केरला का एक हिल स्टेशन है. 3600 फीट के ऑल्टीट्यूड पे लोकेटेड है. वागमन का वेदर साल भर काफी प्लेजेंट रहता है और ये जगह अपने टी गार्डन्स, मेरा दिल चाह रहा है मैं चली जाऊं, और लश ग्रीनरी की वजह से वीकेंड गेटवे के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है. वागमन पिछले कुछ टाइम से अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज की वजह से काफी फेमस हो चुका है और यहाँ अगर आप ट्रेकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं. यहाँ की एडवेंचर एक्टिविटीज को देखते हुए केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ हर साल जो भी प्लान कर रहा है ना, इंटरनेशनल पॉज कर यहाँ पे, जो भी अपनी वीकेंड प्लान कर रहा है तो मेरे ख्याल से उन लोगों को इस जगह पे जाना चाहिए क्योंकि इससे बेस्ट प्लेस मुझे नहीं लगता कोई और होगी. पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करवाती है जो कि एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है. तो अगर आप भी वागमन विजिट करना चाहते हैं तो आपको मार्च अप्रैल के टाइम पे यहाँ आकर इस फेस्टिवल को जरूर एक्सपीरियंस करना चाहिए. नंबर 8, कोवलम. त्रिवेंद्रम से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर कोवलम एक बहुत ही सुंदर कोस्टल सिटी है जो कि अपनी नेचुरल ब्यूटी से ना सिर्फ इंडियन बल्कि यूरोपियन टूरिस्ट को भी यहाँ अट्रैक्ट करती है. कोवलम सबसे ज्यादा अपने प्रिस्टीन बीचेस और सनसेट व्यूज की वजह से फेमस है. और अगर आप बीच लवर हैं तो कोवलम आपके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन है. 1920 में त्रावणकोर के महारानी सेतु लक्ष्मीबाई ने यहाँ एक बीच रिजॉर्ट बनवाया था, जिसके बाद से कोवलम एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है. कोवलम आकर आप यहाँ के काफी सारे बीचेस जैसे कि लाइट हाउस बीच, हवा बीच, समुद्र बीच, हेलकन कैसल, वलियाथुरा पियर, कोवलम आर्ट गैलरी और भी काफी सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं. नंबर 7, थेकडी. केरला का एक ऐसा हिल स्टेशन है जो कि अपने फॉरेस्ट रिजर्व और रिच फ्लोरा एंड फोना की वजह से फेमस है. थेकडी में आपको कार्डमम टी और कॉफी प्लांटेशन, माउंटेन रेंजेस, वाटरफॉल्स और यहाँ के सीनिक लैंडस्केप का काफी अच्छा व्यू देखने को मिलता है. थेकड़ी सबसे ज्यादा अपने पेरियर टाइगर रिजर्व की वजह से फेमस है जो कि पूरे इंडिया का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है.
इस टाइगर रिजर्व में आप टाइगर और बर्ड वॉचिंग के साथ साथ जंगल सफारी का भी मजा ले सकते हैं। थेकड़ी का वेदर पूरे साल काफी प्लेजेंट रहता है और यहाँ आकर आप ट्रेकिंग, राफ्टिंग, जंगल सफारी और एलिफेंट सफारी जैसी एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ मंगला देवी टेम्पल, मुरुकड्डी प्लांटेशन, थेकड़ी लेक और अन्ना कारे में भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 6, वर्कला। वर्कला केरला का एक पैराडाइज है जो कि अपनी सीनिक बीचेस, हिल्स, लेक्स, फोर्ट्स और लाइट हाउस की वजह से फेमस है। वर्कला केरला का एकमात्र ऐसा शहर है जहां आपको 15 मीटर ऊंची क्लिफ देखने को मिलती है और इन क्लिफ से आपको पूरे अरेबियन सी का काफी अच्छा पैनोरामिक व्यू भी देखने को मिलता है। वर्कला के बीच काफी ज्यादा क्लीन और सीनिक होते हैं जो कि यहां पे टूरिज्म को और भी ज्यादा प्रमोट करता है। इन बीचेस पे आप काफी सारी वाटर एक्टिविटीज जैसे कि स्कूबा डाइविंग, बनेना बोटिंग, पैरासेलिंग और जेट स्कीइंग का भी मजा ले सकते हैं। इसके अलावा वर्कला में काफी सारी आयुर्वेदिक रिजॉर्ट्स भी हैं जहां आपको काफी सारी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के ऑप्शन भी मिलते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं। इसके अलावा वर्कला आकर आप वर्कला बीच, वर्कला लाइट हाउस, अंजेंगो फोर्ट, कपिल लेक, विष्णु टेम्पल, जनार्दन स्वामी टेम्पल, चिलाकूर बीच और भी काफी सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। कोची। कोची पूरे केरला की लार्जेस्ट सिटी और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटी है। कोची को हमेशा से ही ब्रिटिशर्स द्वारा एक पोर्ट सिटी की तरह यूज किया गया था जिसकी वजह से आपको यहाँ काफी सारी कॉलोनियल साइट्स देखने को मिलती है। एक कमर्शियल सिटी होने के बाद भी कोची एक बहुत ही सुंदर शहर है और इसी वजह से इसे क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है। कोची आकर एक चीज जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए वो है यहाँ के बैकवाटर्स में हाउस बोट राइड। कोची के बैकवाटर्स केरला के सबसे फेमस बैकवाटर में से एक हैं और यहाँ के कोकोनट ट्रीज और लश ग्रीनरी के बीच से इन बैकवाटर्स का नजारा देखते ही बनता है। इन बैकवाटर के अलावा कोची में आप मटन चेरी पैलेस, फोर्ट कोची, केरला कथकली सेंटर, चेराई बीच, बोलगटी पैलेस, मरीन ड्राइव और भी काफी सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। नंबर 4, कुमाराकोम। कुमाराकोम केरला का एक ऐसा शहर है जो कि वेम्बनन लेक के छोटे छोटे आइलैंड्स के मिक्सचर से बना है। वेम्बनन लेक केरला का लार्जेस्ट लेक है और ये जगह अपनी सीनिक ब्यूटी, लश ग्रीनरी और पैडी फील्ड्स की वजह से फेमस है। कुमाराकोम की सबसे मेन हाईलाइट है यहाँ का बैकवाटर टूरिज्म जो कि पूरे केरला के सबसे सुंदर बैकवाटर में से एक है। इन बैकवाटर को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आप यहाँ की लग्जरी और ट्रेडिशनल हाउस बोट में भी स्टे कर सकते हैं। इन बैकवाटर के अलावा कुमाराकोम में आप कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी, टॉडी शॉप्स, अरुविकुजी वाटरफॉल, कुमाराकोम बीच, सेंट मैरीज चर्च और यहाँ के आयुर्वेदिक स्पाज में भी विजिट कर सकते हैं। नंबर 3, वायनाड। वायनाड केरला की सबसे यूनिक और सबसे इंटरेस्टिंग जगहों में से एक है। वायनाड सबसे ज्यादा अपने वाटरफॉल्स, हिस्टोरिकल केव्स, लग्जरी रिजॉर्ट्स, स्पाइस प्लांटेशन और सीनिक लैंडस्केप की वजह से फेमस है। वायनाड की हवा में आपको एक अलग सी स्मेल फील होती है क्योंकि अलग अलग स्पाइसेस की प्लांटेशन होती है और इसी वजह से इसे स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वायनाड की लश ग्रीनरी में आपको ट्रेकिंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग, रॉक क्लाइंबिंग और कैंपिंग जैसी एक्टिविटीज का एक्सपीरियंस भी जरूर लेना चाहिए। वायनाड आकर आपको यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व और इंडियाज लार्जेस्ट अर्थ डैम भानुशारा डैम में भी जरूर विजिट करना चाहिए जहाँ से आपको बहुत ही बढ़िया सनसेट व्यूज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आप वायनाड में काफी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस जैसे कि इडक्कल केव्स, थिरुनली टेम्पल, करिंथंडन टेम्पल, एंशियंट जैन टेम्पल और भी काफी सारी जगहों पे विजिट कर सकते हैं। नंबर 2, एलेपी। सिर्फ केरला की नहीं बल्कि पूरे इंडिया की। तो एलेपी में मैं पोस्ट करूँगी लाइक एक ही जगह में इतनी सारी जगहें कैसे हो सकती हैं और मतलब उनकी गवर्नमेंट ने वर्क भी किया है इतनी सारी जगहों के लिए कि वो टूरिस्ट प्लेस बन सके क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस हैं लेकिन हमें मालूम ही नहीं है कि वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं क्योंकि रास्ते जो हैं वो इतने मुश्किल हैं कि वहाँ पे पहुँचना नामुमकिन तरीन काम है। तो मतलब मैं तो यहाँ केरला में जाके एक साल गुजार सकती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरती घूमने में ना एक साल के मैं दो साल भी गुजार सकती हूँ लेकिन लाइक मेरी ड्रीम हो चुकी है कि मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट ट्रिप जो है वो केरला ही हो और अगर मुझे पासपोर्ट वीज़ा मिल गया मैं केरला ज़रूर विजिट करना चाहूँगी क्योंकि इतनी खूबसूरत प्लेस को मैं अवॉइड नहीं कर सकती ना मैं इग्नोर कर सकती हूँ। सो आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी खूबसूरत जगहें हैं एलेपी में। ये वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। एलेपी पूरे केरला के बैकवाटर टूरिज्म का सबसे मेन हब है और यहाँ के बैकवाटर और हाउस बोट एक्सपीरियंस का कोई मुकाबला ही नहीं है।
एलबी के बैक वाटर्स दोनों तरफ से कोकोनट हाउस बोट कितना एक्साइटिंग है जिसे कवर्ड रहते हैं और इन बैक वाटर में एक हाउस बोट राइड लेकर आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हो। एलपी की हाउस बोट भी केरला की सबसे लग्जूरियस हाउस बोट होती हैं और एलपी आकर आपको इन हाउस बोट में स्टे करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसके हाउस बोट कैसे बना सकते हैं यार, जैसे कि एलपी बीच, एलपी लाइट हाउस, मरारी बीच, श्री कृष्णा टेम्पल, सेंट मैरीज फॉरेन चर्च और वेम्बनद लेक में विजिट कर सकते हैं। नंबर वन, मुन्नार। मुन्नार अनडाउटेडली पूरे साउथ इंडिया का सबसे सीनिक हिल स्टेशन है। 5,200 फीट के ऑल्टीट्यूड पर मुन्नार अपनी लश ग्रीनरी, सीनिक वाटरफॉल, टी प्लांटेशन, ट्रेकिंग रूट्स और अमेजिंग व्यू पॉइंट की वजह से फेमस है। मुन्नार एक टाइम पे ब्रिटिश इंडिया का समर रिजॉर्ट भी हुआ करता था और आज के टाइम पे भी ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। अगर आप अपनी रेगुलर लाइफ से ब्रेक लेकर एक बहुत ही सीनिक और रिलैक्सिंग जगह पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मैं लेना चाहती हूं ब्रेक, ये ऑप्शन है। मुन्नार सबसे ज्यादा अपने टी प्लांटेशन की वजह से फेमस है, इसलिए मुन्नार आकर आपको यहाँ की टी गार्डन्स को एक्सप्लोर करना बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मुन्नार में ट्रैकिंग के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं और यहाँ आकर आपको अनामोड़ी और मीसापुलीमाला पीक तक का ट्रैक भी ज़रूर करना चाहिए, जो कि पूरे केरला की दो सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं। दोस्तों, मैंने मुन्नार के ऊपर एक पूरा एंड होती है, लाइक केरला वाकई पूरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इससे ज़्यादा प्लेसेस क्या होंगी। हम पूरा केरला ही इतना खूबसूरत बना हुआ है, लाइक इतनी सारी प्लेसेस घूमने में इतना टाइम लगेगा। आई थिंक केरला के लोग काफ़ी लकी हैं क्योंकि वो वहीं पे रहते हैं, इतनी खूबसूरत जगह में उनको रहने का मौका मिला है और उनके पास घूमने की इतनी सारी जगह है। अगर केरला से मुझे कोई देख रहा है तो मुझे ये बताओ कि आप लोग क्या पूरा साल घूमते रहते हो या फिर आपको घूमने की ज़रूरत ही नहीं, आपके आसपास घर के आसपास ही इतनी खूबसूरत जगह है कि आप लोगों का दिल ही नहीं करता हो कि वहाँ से बाहर जाओ। और हाउस बोटिंग वाली चीज़ मुझे काफ़ी औसम लगी है क्योंकि यहाँ पे हाउस बोट वाली चीज़ कोई है ही नहीं और मैंने देखा कि बोट के ऊपर वो एसी के फैन लगे, इट मींस हाउस बोट में एयर कंडीशन भी है। आई कॉन्ट बिलीव इट यार, ये चीज़ काफ़ी खूबसूरत। लाइक मैंने बहुत बड़े वाले जो है शिप देखे हैं कि ठीक है शिप होते हैं, लेकिन ये हाउस बोट काफ़ी औसम चीज़ लगी है मुझे। अगर मुझे केरला जाने का मौका मिले तो मैं हाउस बोटिंग ज़रूर करूँगी, लाइक वाओ ब्यूटीफुल, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है केरला। मैं पाकिस्तान में काफ़ी जगह पे टूर करने गई हूँ तो मुझे पाकिस्तान में ऐसे लाइक पहाड़ सीनरीज यहाँ पर भी है, खूबसूरती यहाँ पर भी है, लेकिन एक जो हैंडमेड चीज़ें हैं ना, मैनमेड चीज़ें लाइक ये हाउस बोटिंग मैं ट्राई ज़रूर करना चाहूँगी अगर मुझे मौका मिला तो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, ये रिएक्शन पसंद आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। केरला से हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और एक लाइक भी दीजिएगा मेरी वीडियो को। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।